बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ला गैट के बारे में डिस्कस करूँगा। आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने ला गैट की किस तरह से तैयारी करनी है और ये टेस्ट आसान है या मुश्किल है और किस तरह से आप इस टेस्ट में पास हो सकते हैं, इसका सिलेबस या करिकुलम क्या होता है, सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम जो इसका पेपर पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो पेपर पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड होता है, यानी कि इसमें एक सवाल और उसके नीचे चार ऑप्शंस होते हैं और आपने एक जो दुरुस्त ऑप्शन होता है उसको चूज़ करना होता है। ये एक ही पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का और इसमें 100 सवाल होते हैं और हर सवाल का एक मार्क या एक नंबर होता है और इसके जो पासिंग मार्क्स हैं पेपर के वो 40% हैं, यानी कि जो कैंडिडेट्स 40 मार्क्स लेंगे वो पास हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसके करिकुलम को डिस्कस करते हैं कि इसके करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद ज्यूरिसप्रूडेंस है, फिर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स, और लास्ट में फिर इंग्लिश लीगल लैंग्वेज है। इसके बाद हम इसकी देखते हैं कि इसमें जो जितने सब्जेक्ट्स हैं वो किस परसेंटेज के हिसाब से पेपर आएगा। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है ये इसमें इससे रिलेटेड 10 सवाल या 10% जो पोर्शन है पेपर का वो इस पर मुश्तमिल होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में आपने वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दोनों बहुत अहम हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, आपने इनकी तैयारी लाजमी करनी है, इनके जो बेसिक्स हैं वो आपके आने चाहिए। इसके अलावा कुछ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल आ सकते हैं। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान ने कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मदद ली, उससे पहले जब पाकिस्तान जब बना उस टाइम के ऊपर फौरी तौर के ऊपर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुआ पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर कितने अरसे बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना और पाकिस्तान में अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट हुए, कितने कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉर्ट किया गया, और फाइनली जो हमारा 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में भी जो सवालात होंगे बेसिक वो आपको आने चाहिए कि ये कब स्टार्ट हुआ, कब इसको इम्प्लीमेंटेशन हुई इसकी, और इसकी कितनी शिकें हैं, ये सारे सवाल जो बेसिक हैं वो आपके आने चाहिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से 10 नंबर का पोर्शन जो है इस पेपर में आएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस को। ज्यूरिसप्रूडेंस का जो पोर्शन है वो भी 10 सवालों पर मुश्तमिल होगा। इसमें 5 सवाल इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के होंगे और 5 या वो मॉडर्न या फिर इंग्लिश ज्यूरिसप्रूडेंस के होंगे। तो आपने इनका जो बेसिक ज्यूरिसप्रूडेंस के जो बेसिक क्वेश्चन हैं आपने उनके ऊपर फोकस करना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना, बेसिक की तरफ रहना है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा सिविल लॉ को। सिविल लॉ का जो पोर्शन है वो इस पेपर में 20% होगा, यानी कि 20 मार्क्स हैं वो सिविल लॉ से रिलेटेड होंगे। अब आगे इसको मैं मज़ीद डिफ़ाइन करता हूँ। सिविल लॉ के जो मुख्तलिफ पोर्शंस हैं जैसे सिविल प्रोसीजर कोड या जिसको CPC कहा जाता है, इससे रिलेटेड तकरीबन 5 से 6 सवालात होंगे। तो आपने जो सिविल प्रोसीजर कोड के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको आपने ज़रूर नज़र से गुजार लेना है या उनको याद कर लेना है, उनको देख लेना है। उसके बाद जो लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं इससे मुतल्लिक 1 या 2 सवाल आएंगे, लिमिटेशन के लॉ के मुतल्लिक 1 से 2 सवाल आएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के 2 सवाल आएंगे, और जो स्पेसिफिक रिलीफ के जो लॉज हैं और एक्ट्स हैं इनके बारे में भी 1 से 2 सवाल आएंगे। लास्ट में जो मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी है इससे रिलेटेड भी तकरीबन 5 से 6 सवाल आएंगे। और ये जो पोर्शन है सिविल लॉ का ये 20% पर मुश्तमिल होगा, 20 सवाल इस पोर्शन के पेपर में आएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिमिनल लॉ को। ये भी 20% बेस्ड होगा इस पेपर में। इसमें पाकिस्तान पिनल कोड, इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको CRPC भी कहा जाता है, फिर लॉ ऑफ किसास एंड दियत, तो ये तीनों पोर्शंस में से तकरीबन 7-7 सवाल आएंगे। पहले 2 पोर्शन में से तकरीबन 6 सवाल आएंगे आपके लॉ ऑफ किसास एंड दियत के। बेसिक सवाल हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक आपने तैयारी करनी है, ज़्यादा डीप नहीं जाना। आपने ये लॉ में जो पहला सवाल है उसमें ये पढ़े हुए हैं, आपने स्टडी किए हुए हैं, रीड किए हुए हैं आप लोगों ने, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है।
और थोड़ी सी तैयारी करके एक नज़र से गुजारना है आपने एक बार इन चीज़ों को, और आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अगर आप लोगों ने पहले इसको पढ़ा हुआ है तो एक बार आपकी नज़र से गुजरेंगी, आपका जो सिलेबस है वो रिमाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ एविडेंस को, जो कि 20% पोर्शन इसमें मुश्तमिल होगा। कानून शहादत ऑर्डर 1984 और जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है। इसको भी आपने एक बार अपनी नज़र से गुजारना है, एक बार इसको रीड करना है। मैं आपको बताता चलूँ, आप लोगों ने इसका रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। आपने ये तमाम चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं लॉ में, और इसको एक बार नज़र से गुजारेंगे आप लोगों को रिमाइंड हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक बेहतरीन टिप देता चलूँ, आपने पेपर से एक दिन पहले रात को जितना भी सिलेबस है उसको एक बार बैठ के नज़र मारनी है, अपनी नज़र गुजारनी है। उसको रट्टा नहीं मारना, उसको याद भी नहीं करना, सिर्फ एक बार इस तरह पढ़ना है जिस तरह हम कोई नावल या कोई स्टोरी पढ़ते हैं। आपने इस तरह से इसको एक बार पढ़ लेना है। पेपर में इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि पेपर में उससे रिलेटेड सवाल आएंगे, जैसे वो सवाल आपकी नज़रों के सामने आएंगे, आपको पता होगा मैंने लास्ट नाइट इस चीज़ को पढ़ा था, आप वहाँ पे करेक्ट आंसर दे सकेंगे। आगे हम चलते हैं इंटरनेशनल लॉ पर। 10% ये पोर्शन है और ये बहुत आसान है। इंटरनेशनल लॉ 10% में से 5% पब्लिक और 5% प्राइवेट लॉ में से आएगा। बहुत आसान है ये, बहुत छोटा सा सिलेबस है, शॉर्ट कोर्स है इसका, इतना लंबा नहीं है और बहुत आसान है, बिल्कुल भी खुशक नहीं है। इस पर भी आपने नज़र मारनी है, इसको अपनी नज़र से गुजारना है, और इंशाल्लाह ये आपका जो 10% का जो पोर्शन है ये भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर चैप्टर 12 ऑफ द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स रूल्स 1976। अच्छा, ये जो इसमें 5% आपका जो पोर्शन है या 5% जो सवालात हैं, वो आपके कंडक्ट जो प्रोफेशनल कंडक्ट्स है और जो एटिकेट्स हैं इनसे मुतल्लिक होगा, और ये जो चैप्टर 12 है आपका पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स का और बार काउंसिल के जो रूल्स हैं 1976, ये पोर्शन इसमें से होगा। बड़े बेसिक सा है, आपको पता है कि क्या एटिकेट्स होने चाहिए एक प्रोफेशनल एडवोकेट के, प्रोफेशनल लॉयर के, उसको क्या कंडक्ट होना चाहिए कोर्ट में और बार में, तो इससे मुतल्लिक ये पोर्शन होगा, बिल्कुल आसान सा पोर्शन है। नेक्स्ट जो आखिरी 5% है वो होगा इंग्लिश लीगल लैंग्वेज, या जो इंग्लिश की टर्म्स हैं, लीगल टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप पेपर में सवाल आए FSC क्या है, तो आपने वहाँ पे ये ऑप्शन पर जवाब नहीं लगा देना कि FSC का मतलब फंडामेंटल ऑफ साइंस है, बल्कि लॉ की ज़बान में, लीगल लैंग्वेज में इसको फेडरल शरीयत कोड कहा जाता है। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वहाँ पे जो टर्म्स होंगे आपने उनको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसका जवाब देना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं लॉ गेट के हवाले से और लैट के हवाले से भी। आपको कोई भी सवाल हो, आपको कोई भी मदद दरकार हो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की मदद करूँगा, आपके कमेंट्स में जवाब दूंगा। अगर मुझे मज़ीद कोई वीडियो बनानी पड़ी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।